हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या फिर देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये मेरे देसी मुर्गी का सेटअप है। तो आप जो नए सब्सक्राइबर है वो सब देख लीजिए, और पुराने सब्सक्राइबरों को तो सबको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर मेरी कुछ देसी मुर्गियाँ हैं और कुछ बच्चे हैं। ये लगभग 4 महीने से ज़्यादा के बच्चे हो चुके हैं, ये लगभग 8 बच्चे हैं। तो इसमें असील के भी हैं और प्योर देसी मुर्गी के भी हैं। जो इनकी मुर्गियाँ आप देखना चाहते हैं तो इन पर अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, इनके पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बारे में, तो और ये सब दड़बे वगैरह के बारे में, जब जाली वगैरह के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का आज का मेरा यही टॉपिक था कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, कोई वीडियो नहीं बनाई थी मतलब फार्म के ऊपर। तो आज फार्म के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक मुर्गी अंदर अंडा दे रही है और शायद उसके अंडे पे दूसरी मुर्गी बैठ गई है, तो इसीलिए वो मुर्गी चिल्ला रही है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, पहले तो ये थोड़ा नया अपडेट ये है कि ये रोजकॉम वाला देसी मुर्गा है जो मैंने ये इधर फार्म में लेके आ चुका हूँ। ये पहले घर पे था और इसके साथ में मैंने वन राजा की और RIR की कुछ मुर्गियां हैं वो सब डाल दी हैं, देख सकते हैं आप। तो मैंने इसके क्रॉसिंग के लिए डाल दिया है, इसके पास लगभग 5 मुर्गियां फ्रेंड्स, और ये दाना पानी के लिए इसका रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये दाना पानी के लिए मैंने ड्रिंकर और फीडर रखे हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी मुर्गियों को चुप करवा के आया हूँ। तो ये वाली तो मुर्गियाँ आपने देख लिया, वन राजा और देसी रोज कॉम मुर्गी के साथ में क्रॉस करवा रहे हैं इनको। और इसमें है डबल एफ जी की मुर्गियाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें डबल एफ जी का एक मुर्गा है और 4 मुर्गियाँ डाल दी है मैंने इसमें, आप देख लीजिए अच्छे से। और ये इनका दाना पानी रखा हुआ है, तो लगभग ये इधर ही एक कोने में अंडा देती हैं और मैंने सुबह आके अंडे उठा लिए थे, अंदर के अंडे उठाने बाकी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, देसी रोज कॉम की ये ब्रीड तैयार कर रहा हूँ मैं, इसलिए इनकी क्रॉसिंग है, और ये डबल एफ जी की क्रॉसिंग के लिए इधर इनकी ब्रीड तैयार कर रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग बच्चे निकाल के इनकी अलग अलग ब्रीड तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और इस बीच वाले में एक मुर्गी डाले हुए हैं फ्रेंड्स, उनको थोड़ा सर्दी लगी हुई है, इसलिए मैंने इनको अलग से सेपरेट करके बंद करके रखा हुआ है, ताकि वो एक बार ठीक हो जाए, फिर इन सब के साथ में मिला देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा वन राजा का मुर्गा है, और ये सब मुर्गियां आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बच्चे देख लीजिए, ये मुर्गी है। और ये आपको पता ही होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको मैंने बता रखा है कि ये देसी और असील की क्रॉसिंग है, तो बेगम असील भी बोल देते हैं इसको कुछ, क्योंकि इसके ऊपर कलगी होती है और बाकी सब असील की तरह दिखने में होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बाहर का सेटअप तो आपको मैंने सब दिखा दिया है, सब अच्छे से देख लीजिए। और इसमें मैंने अंडे के छिलके रखे हुए फ्रेंड्स, ये जो ट्रे है, फ्रूट ट्रे है, इसके अंदर ये एक मैंने बोरी भर के एक अंडे के छिलके रखे हुए हैं, जो मैं कि अंडे की रेडी लगाने वाला होता है उससे लेके आया था। तो इसको अच्छे से पानी में उबाल के पीस करके और मैं ऐसे ही नीचे बिखरा देता हूँ और ये चुग लेती हैं। तो अभी आपको दिखाई नहीं देंगे, ये देखिए इधर दिखाई देंगे, ये देखिए अंडे के छिलके ऐसे बिखरे हुए हैं, ताकि इनमें थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी हो तो ये नीचे से खा ले, और बाकी ये चींटी वगैरह इधर से खाती रहती है बहुत। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अंदर का व्यू देते हैं आपको। ये मेरा डॉगी है, देसी ब्रीड का है, लगभग अमेरिकन पोमेरियन के साथ में क्रॉसिंग था ये, देसी और अमेरिकन का। तो ये थोड़ा ऐसे बना है। तो चलिए, ये अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये अंदर का व्यू है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इनका रखा हुआ है, और ये दाने के लिए रखी हुई है फ्रेंड्स, ताकि सुबह लेट होने में, अगर आने में लेट हो जाऊं तो इनको दाने के लिए परेशानी ना हो और ये दाना वगैरह आराम से खा लें। और ये देखिए, ये इधर भी मैंने थोड़ा दाना रखा हुआ है, कोई मुर्गा अगर किसी को मारता है तो ऊपर आके आराम से खा सकता है, और इधर भी मुर्गियाँ अंडे देती है, अभी नहीं दिए हैं, शाम तक देगी शायद। और ये देखिए, ये इधर मैंने एक ये जुगाड़ सा बना रखा है फ्रूट ट्रे से, तो ये देखिए 2 अंडे दे रखे हैं इधर, और ये मैंने इनकी बैठने के लिए, रात में बैठने के लिए बना रखा है स्टैंड, तो आप देख सकते हैं नीचे बीटे कितनी गिरी हुई है, तो ये सभी रात में इधर ही बैठ के सोते हैं इसके ऊपर ही। और
ये देखिए इसमें एक ऊपर भी जुगाड़ बना रखा है, ये इसके ऊपर से चढ़ के इसके ऊपर जाते हैं और इधर अंडा देती है मुर्गियाँ। तो आप देख सकते हैं ये देखिए लगभग 3 अंडे दिए हुए हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप ऊंचाई लगभग 6 फुट की हाइट के आसपास में ऊंचाई है इसकी, लेकिन ये स्टैंड पे से चढ़ के जाती है इस पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कई सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि थोड़ा लंबी वीडियो बनाइए, लेकिन लंबी वीडियो में मैं क्या बनाऊँ, मेरे को अभी टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो टॉपिक बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैंने फार्म पे वीडियो डाल दी है, और थोड़ा सा ये अपडेट दे देता हूँ, ये आज के अंडे हैं फ्रेंड्स। तो लगभग इसमें अंडे हैं 3, 3, 6, 7, 8 अंडे हैं फ्रेंड्स, 8 और 5 उधर अंडे हैं, 13 अंडे हैं ये आज आज के अंडे फ्रेंड्स। तो लगभग मेरी 20 मुर्गियां फ्रेंड्स मेरे पास में, तो लगभग 20 मुर्गियां मेरे 13 अंडे दिए हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 10 से 15 के बीच में ये अंडे देती है डेली ही, कभी कभी 5-6 भी आज मिलते हैं, कोई मुर्गी गैप दे देती है। तो ये मुर्गी आ रही है अभी अंडा देने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको अंडा देने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। वो देखिए, और फीड में मैं इनको बाजरे का दलिया दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और साथ में ग्रीन फोडर देता हूँ, हरा चारा। तो आप देख सकते हैं ये खेत है, खेत में मैंने उस साइड में हरा चारा लगा रखा है, और ये आलू की खेती है, तो आलू भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो यही है फ्रेंड्स, ग्रीन फोडर वगैरह देता हूँ साथ में, और रोटियां वगैरह देता हूँ। तो रोटियों के लिए आप देख सकते हैं मैंने इधर भिगो के रखी हुई है रोटियां, इसमें ये रही थी, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पानी में भिगो के रखी है। थोड़ा 12 बजने के आसपास में मैं इनको रोटियां दे दूंगा, और ग्रीन फोडर दोनों ही दे देंगे साथ में। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए तो आपको टॉपिक बता दीजिए को, मेरे को कोई अच्छा सा कोई टॉपिक अगर आपको जिस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस पे वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.